हेलो एवरीवन वेलकम टू द सेशन आज हम करने जा रहे हैं ग्रेड सेवेंथ की साइंस और लेसन नंबर टेन रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स पार्ट टू फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ब्रीदिंग के बारे में समझा था एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात की थी हमने ये भी पढ़ा था कि रेस्पिरेशन हमारे लिए कितनी जरूरी है और कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल्स के अंदर ब्रीदिंग कैसे होती है देखिए इंसानों के अंदर लंग्स होते हैं जिससे वो ब्रीद करते हैं सांस लेते हैं वो हेल्प करते हैं लेकिन कुछ जानवर हैं जैसे लाइन्स एलिफेंट्स काउस गोड्स फ्रॉग्स लेजर्ड स्नेक्स आ, कुछ पंछी भी हैं बर्ड्स इनके पास लंग्स होते हैं अपनी चेस्ट कैविटी के अंदर हमारे जैसे लेकिन छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं कीड़े मकौड़े वॉर्म्स होते हैं जैसे अर्थ जो बारिश के समय में आपको दिखाई देते हैं इन बिचारों के पास तो लंग्स नहीं होते फिर ये सांस कैसे लेते हैं इनके अंदर ब्रीदिंग का कौन सा सिस्टम होता है तो आज हम पढ़ेंगे कॉकरोच और अर्थवॉर्म के बारे में पहले और फिर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं फिश वो कैसे सांस लेते हैं सिंपल प्रोसेस है कॉकरोच की बात की जाए जी हाँ वही जो लड़कियों को अलग अलग रूप में आके तंग करता है तो जो कॉकरोच है उसकी साइड पे बॉडी की साइड पे ना छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम स्पायरिकल्स बोलते हैं स्पायरिकल्स, जी हाँ वो स्पायरिकल्स जुड़े होते हैं एक चेन से आप कह सकते हो नेटवर्क के साथ जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं स्पायरेकल आपस में जुड़े होते हैं एक डेंस नेटवर्क जो एयर ट्यूब का होता है जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं तो वो क्या करते हैं स्पाइरेकल्स के जरिए जो हवा है उसमें से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं फिर वो ट्रैकियल ट्यूब में जाती है और उसके बाद वहां से वो उनके अलग अलग बॉडी के सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचती है जिससे जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजन लेकर एनर्जी रिलीज करते हैं तो हम ये कह सकते हैं उसी जरिए से सेम के जरिए ही उनकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलती है सबसे पहले ट्रैकियल ट्यूब में जाती है ट्रैकियल ट्यूब से बाहर निकलती है स्पाइरेकल से है कि नहीं तो अगर हम बात करें कि इनके पास कोई ब्लड का कलर होता है जी नहीं कॉकरोच के ब्लड का कोई रंग नहीं होता लेकिन अगर इनके पास ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ना हो तो ऑक्सीजन कैसे अंदर जाए और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर आए सेल्स कैसे काम करें वो एक प्रॉब्लम हो जाएगी अब अर्थवॉर्म के बारे में बात करते हैं अर्थ जब आप उसको टच करते हो थोड़ा गीला गीला स्टिकी सा होता है मुंह इसलिए बनाया क्योंकि लड़कियां ऐसे ही मुंह बनाती हैं। तो वो थोड़ा स्टिकी होता है जब आप उसे टच करते हो क्या आपको मालूम है वो सांस अपने स्किन के जरिए लेता है जी हाँ उसकी स्किन के जरिए ही गैसेस का एक्सचेंज होता है एक्चुअली उसकी स्किन के अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जिसे हम कैपिलरीज बोलते हैं वो कैपिलरीज के जरिए ऑक्सीजन खींचता है हिमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेता है खून के अंदर बहता बहता भाई साहब पूरे बॉडी पार्ट तक लेके जाता है उसको और जो सेल्स हैं वो उसे यूज करते हैं एनर्जी रिलीज करने के लिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं जो उनकी स्किन है उसके अंदर कैपिलरीज होती हैं कैपिलरीज से ऑक्सीजन उठाई जाती है हीमोग्लोबिन द्वारा हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर होती है फिर वो सेल्स तक जाती है वहां एनर्जी रिलीज होती है और वैसे ही उसी रस्ते से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ जो फ्रॉग होता है उसके पास भी लंग्स होते हैं हम लोगों जैसे इंसानों जैसे आपको पता है फ्रॉग लैंड पे भी रह सकता है पानी में भी तो यही मैं बता रही हूं कि फ्रॉग ज्यादातर अपने स्किन के जरिए ही सांस लेता है जो स्लिपरी होती है ठीक वैसे जैसे अर्थ फॉर्म सांस लेता है ये काफी लोगों को नहीं पता था अच्छा अब हम बात करते हैं ब्रीदिंग कैसे होती है जो जानवर पानी के नीचे रहते हैं अब हम तो पानी के अंदर नहीं ब्रीद कर सकते सांस नहीं ले सकते लेकिन जो जानवर पानी के नीचे रहते हैं उनके खास किस्म के ऑर्गन होते हैं जिसे हम गिल्स कहते हैं या वो गिल्स के जरिए सांस लेते हैं या अपनी स्किन के जरिए ही सांस लेते हैं जैसे फ्रॉग। तो होता क्या अगर हम फिश की बात करें फिश गिल्स के जरिए रेस्पिरेशन करती है तो गिल्स जो होते हैं उनके फेदरिक टाइप होते हैं जैसे बर्ड्स के फेदर होते हैं फिश के आप कह सकते हो गिल्स होते हैं गिल्स के अंदर पूरा एक जाल होता है ब्लड वेसल्स का क्योंकि उनको पता है कि गिल्स के अंदर से ही हमें ऑक्सीजन मिलेगी तो फिश क्या करती है अपने मुंह के जरिए पानी अंदर लेती है फोर्स करती है उसे गिल्स के जरिए बाहर निकालने को जब गिल्स के जरिए बाहर निकालती है तो गिल्स में जो कैपिलरीज होती हैं, जो आप कह सकते हैं ब्लड वेसल्स होते हैं वो फटाफट ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं गिल्स भी हेल्प करते हैं तो पानी जो वाटर है और ब्लड फ्लो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है उल्टी दिशा में होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की जा सके पर एक इंटरेस्टिंग बात जो 99.9 प्रतिशत लोगों को नहीं पता होती जो डॉल्फिन और वेल्स हैं वो फिश नहीं है वो बार बार सरफेस पे आती हैं सांस लेने के लिए आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा तो ये फिश नहीं होती ये मैमल्स कहलाई जाती हैं ये लंग्स का इस्तेमाल करती हैं सांस लेने के लिए और दूसरे मैमल्स की तरह वार्म ब्लडेड होती हैं और हम भी मैमल्स हैं ठीक है हम भी ब्लडेड हैं और ये अंडे नहीं देती सीधा यंग वंस बच्चे को बर्थ देती है वेल्स और याद रखना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो पानी में जो ऑक्सीजन मिली होती है उसका इस्तेमाल करते हैं हालांकि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू जो ऑक्सीजन हमें एटमोस्फेयर में मिलती है तो इसीलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन खींचते हैं तो उनका जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रहते हैं समझ में आ गया कि उनका ब्रीदिंग रेट ज्यादा क्यों होता है फिश का प्लांट्स की भी बात कर ही लेते हैं प्लांट्स भी तो रिस्पायर करते ही होंगे जीने के लिए उनके अंदर भी तो रेस्पिरेशन होती होगी ऑक्सीजन लेते होंगे या कार्बन डाइऑक्साइड लेते होंगे एक्सचेंज तो चल ही रहा होता है तो देखिए खाना जो प्रिपेयर किया जाता है पेड़ पौधों द्वारा वो ग्लूकोज की फॉर्म से होता है मतलब खाना जो स्टोर होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है और फोटोसिंथेसिस द्वारा बनता है अब जो ग्लूकोज है वो जब टूटता है वो एनर्जी देता है तो जो सेल्स हैं जब वो ग्लूकोज को तोड़ते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हमारे जैसा काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और पानी निकलता है वॉटर इज प्रोड्यूस और साथ में थोड़ी सी आ, एनर्जी एक बार रिएक्शन देख लेते हैं ग्लूकोज जो खाना उन्होंने बनाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिलीज क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और थोड़ी एनर्जी उसको एटीपी बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारे सेल्स के अंदर भी जो एनर्जी होती है वो एटीपी ही होती है तो प्लांट्स के सारे पार्ट्स रूट्स हो जड़े हो स्टेम हो पत्ते हो लीफ हो हर पार्ट में सांस लिया जाता है रेस्पिरेशन होती है तो सेल्स जो है वो एनर्जी रिलीज करते हैं तो जो लीव्स होती हैं पत्तों की उनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं जिसके जरिए गैसेस अंदर आती हैं और बाहर छोड़ी जाती है दिन के टाइम पे जो स्टोमेटा है वो हम कह सकते हैं खुले रहते हैं रात को ये बंद हो जाते हैं तो जो छोटे छोटे ग्रीन स्टेम्स होती हैं छोटी वाली बिल्कुल पतली पतली नाजुक नाजुक उनके अंदर भी स्टोमेटा होता है सिर्फ लीव्स पे नहीं होता स्टोमेटा ग्रीन स्टेम्स जो यंग होती हैं उनके अंदर भी होता है लेकिन अगर हम बड़े दरख्तों की बात करें जो ओल्ड स्टेम्स होती हैं उनके अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो होता है लेंटी सेल्स के जरिए याद रखना लेंटी सेल्स अब जो जड़ों में सेल्स होते हैं प्लांट्स के उनको भी तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है एनर्जी की जरूरत होती है तो ऑक्सीजन से ही एनर्जी आएगी खाना टूटेगा तो रूट्स क्या करती हैं हवा से ऑक्सीजन लेती हैं जो सॉइल के अंदर हवा है ना सॉइल के अंदर भी हवा होती है अरे तभी तो ऐसे खोदा जाता है उसको माली के द्वारा तो रूट्स जड़ें ऑक्सीजन क्योंकि हर पार्ट में ना देखो रेस्पिरेशन हो रही है रूट्स में भी तो हो रही है रेस्पिरेशन तो वो हवा लेती हैं अपनी सॉइल से एकदम फंसा के अपने आप को रूट्स जो हैं हवा एब्जॉर्ब करती हैं जो सॉयल पार्टिकल्स में होती है तो इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार पौधे जो हैं वो मर जाते हैं जब उनको ज्यादा पानी दे दिया जाता है क्योंकि पानी जो है वो हवा को दूर कर देता है और उसकी जगह ले लेता है तो अगर रूट्स को हवा ही नहीं मिलेगी तो वो कैसे जिएंगी इसीलिए हमने ये सीखा है कि रेस्पिरेशन जो है वो बहुत जरूरी है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्योंकि ब्रीदिंग तो एक काम है सांस को अंदर बाहर लेना रेस्पिरेशन के जरिए जो हम सांस अंदर बाहर ले रहे हैं जब अंदर लेते हैं ऑक्सीजन हर सेल तक जाती है हर सेल से एनर्जी मिलती है तो रेस्पिरेशन ये पूरा प्रोसेस है ब्रीदिंग उसका एक हिस्सा है रेस्पिरेशन के द्वारा एनर्जी मिलती है तो ये जो रेस्पिरेशन है ये बहुत जरूरी है काम काज करने के लिए तो ये थी आज की क्लास पर जाने से पहले मैं आपसे दो क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ डॉल्फिन्स और वेल्स क्या वो फिश हैं? अगर नहीं है तो वो क्या है और दूसरा कि जो है वो सांस कैसे लेता है इन दो क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हम फिर मिलेंगे टिल देन टेक केयर बाय